हाय दोस्तों आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है तो दोस्तों जो हमारी एग्जिट एग्जाम की सीरीज चल रही है उसमें आगे के क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं तो दोस्तों जल्दी से देख लेते हैं पहला क्वेश्चन यानी फोर्टी क्वेश्चन तो दोस्तों फिफ्टीन क्वेश्चन अटैम्प्ट करने वाले हैं तो बिना देरी किए जल्दी से देख लेते हैं तो ब्लैंक दिया रखा है इज यूज फॉर मिक्सिंग सेमी सॉलिड्स वाइल प्रिपेरिंग ऑइनमेंट्स क्रीम्स पिलमेसिस एंड बेड मास फॉर मेकिंग ग्रैन्यूल्स तो दोस्तों किसका यूज किया जाता है कोलोइडल मिल पहले प्लेनेटरी मिक्सचर ट्रिपल रोलर मिल और डबल कोन मिक्सचर तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी ट्रिपल रोलर मिल का यूज किया जाता है तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 ब्लैंक दिया रखा है आर मैकेनिकल डिवाइस एक मैकेनिकल डिवाइस है तो यूज फॉर मिक्सिंग जिसका यूज मिक्सिंग के लिए द लिक्विड मटीरियल्स विद द हेल्प ऑफ ब्लेड्स और एम्पेलर्स तो किसकी हेल्प से ब्लेड्स और एम्पेलर्स की मदद से उसे मिक्स किया जाता है तो दोस्तों वो कौन सी मैकेनिकल डिवाइस हैं तो प्लेनेट्री मिक्सचर प्रोपिलर्स कोलोडलमिल डबल कोन मिक्सचर तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रोपिलर्स इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू ब्लैंक दे रखा है तो रिलीज ऑन द प्रिंसिपल दैट लार्ज ग्लोब्यूल्स ऑफ द डिस्पर्ज फेस ऑफ अ कोर्स इमल्सन आर पास्ट थ्रू अ नेहरू ऑरिफिस टू ब्रेक देम इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स जो लार्ज ग्लोब्यूल्स होते हैं उन्हें स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है यानी तोड़ देता है ब्रेक कर देता है तो दोस्तों रिलीज ऑन द प्रिंसिपल प्लेनेटरी मिक्सचर हैंड होमोजेनिजर डबल कोन मिक्सचर और कोलोइडल मिल तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हैंड होमोजेनिजर इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री ब्लैंक दे रखा है इज अ कॉम्पिटेंट एंड बर्सेटाइल मशीन यूज्ड फॉर यूनिफॉर्म ब्लेंडिंग ऑफ ग्रेन्यूल्स एंड ड्राई पाउडर्स ठीक है ऐसी कॉम्पीटेंट एंड बर्सटाइल मशीन जिसका यूज यूनिफॉर्म ब्लेंडिंग और ग्रेन्यूल्स और ड्राई पाउडर्स के लिए यूज किया जाता है तो डबल कोन ब्लेंडर प्लैनिटरी मिक्सचर कोलोर्ड मिल और डबल कोन मिक्सचर तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डबल कोन ब्लेंडर इज द करेक्ट आंसर यही आ जाएगा इस ब्लैंक की जगह अब देख लेते हैं जल्दी से नेक्स्ट चैप्टर तो दोस्तों इसके हम एमसीक्यू करने वाले हैं जो चैप्टर है सेलेरीफिकेशन एंड फिल्ट्रेशन तो दोस्तों जल्दी से देख लेते हैं इसके एमसीक्यू तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पहला क्वेश्चन है दोस्तों द सस्पेंशन ऑफ सॉलिड और लिक्विड टू बी फिल्टर्ड इज नॉन एज तो किसके रूप में जाना जाता है तो फिल्ट्रेशन फिल्टर की फिल्टर मीडियम सेलेरी तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सेलेरी यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्यूमलेटेड सॉलिड्स ऑन द फिल्टर मीडिया आर रेफर टू एज तो फिल्टर मीडियम फिल्टर केकलरी और फिल्टरेट दोस्तों सही आंसर हो जाएगा फिल्टर केक यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री द क्लियर लिक्विड पासिंग थ्रू द फिल्टर इज नॉन एज दोस्तों द क्लियर लिक्विड पासिंग पास हो रहा है किसके थ्रू फिल्टर के थ्रू तो उसे किसके रूप में जाना जाता है ये आपसे पूछा गया है फिल्टर के के रूप में फिल्टर मीडियम सिलरी और फिल्ट्रेट तो वह क्या कहलाता है वह कहलाता है फिल्ट्रेट यानी छना हुआ ऐसी छलनी हो गई इससे आ गया तो ये क्या हो गया फिल्ट्रेट हो गया ठीक है ये होता है तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर तो फिल्ट्रेशन रेट इज द ब्लैंक दे रखा है ऑफ सॉल्यूशन पासिंग पर यूनिट टाइम डी बी ओवर डी टी

कोजनी, कोइजुएली या कारमेन तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कोइजुएली क्या हो जाएगा कोइजुएली, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स को इक्वेशन इज दोस्तों का इक्वेशन क्या होता है ये आपसे पूछा गया है तो कोइजुएली का इक्वेशन क्या है तो पोज्वेली का इक्वेशन होता है वी इक्वल टू ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वी इक्वल टू पाई डेल्टा पी आर फोर अपॉन एट एल नीटा तो दोस्तों ये होता है इसका क्या इक्वेशन ज्वेलि का इक्वेशन क्या होता है वी इक्वल टू पाई डेल्टा पी आर फोर एट एल नीटा ठीक है अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवन तो इन इक्वेशन जो दोस्तों पॉइजुइल का इक्वेशन है वही है तो दोस्तों v इक्वल टू पाई डेल पी आर 4 अपॉन 8 टेल नीटा तो इसमें u पूछा गया है कि u क्या है u है रेट ऑफ फ्लो वॉल्यूम वेलोसिटी या रेट ऑफ वेलोसिटी तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा रेट ऑफ विस्कोसिटी तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रेट ऑफ फ्लो जो u है यहां पर इसका मीन्स है रेट ऑफ फ्लो यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एट डार्सीज इक्वेशन इज एक्सप्रेस एज डार्सीज इक्वेशन इज एक्सप्रेस एज ये दोस्तों डार्सी का इक्वेशन है वो क्या होता है ये आपसे पूछा गया है डार्सी का इक्वेशन क्या होता है तो डार्सी का इक्वेशन होता है दोस्तों डेल्टा पी अपॉन नीटा एल क्या होता है तो इसका भी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा तो दोस्तों ये डारसी का क्या होता है इक्वेशन होता है यानी समीकरण होता है डार्सी लॉ का ठीक है डारसी का इक्वेशन होगा v इक्वल टू के ए डेल्टा पी अपॉन नीटा एल ठीक है अब देख लेते हैं दोस्तों नौवां क्वेश्चन ब्लैंक दे रखा है इज एप्लीकेबल टू पोरस बेड बेस्ड ऑनपलरी टाइप स्ट्रक्चर एंड अदर पैरामीटर्स एंड अदर पैरामीटर्स डार्सीज़ इक्वेशन पोजुअली इक्वेशन को कारमेन इक्वेशन या इक्वेशन so, तो दोस्तों इस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी पोजुअली इक्वेशन ठीक है और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टेन आपकी स्क्रीन पर ब्लैंक दे रखा है तो प्रोवाइड्स सपोर्ट मैके फिल्टर केक एंड कलेक्ट सॉलिड्स फिल्टर मीडिया फिल्टर केक फिल्ट्रेट और सिलरी तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फिल्टर मीडिया क्या प्रोवाइड कराता है तो मैकेल सपोर्ट टू द फिल्टर केक एंड आल्सो कलेक्ट सॉलिड्स और सॉलिड्स को भी कलेक्ट करता है तो वो काम होता है दोस्तों फिल्टर मीडिया का यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा तो लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों इस वीडियो का देख लेते हैं ब्लैंक दी रखा है आर फाइनली डिवाइडेड मटेरियल्स एडेड टू द लिक्विड टू बी फिल्टर्ड तो फिल्टर केक फिल्ट्रेट्स सिलरी और फिल्ट्रेट तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा फिल्टर एड्स इज द करेक्ट आंसर तो दोस्तों इसमें हमने टॉप 15 एमसीक्यू कंप्लीट कर लिए हैं तो दोस्तों ऐसी ही बेहतरीन वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं और अपनी एग्जिट एग्जाम की तैयारी को दुरुस्त कर सकते हैं और दोस्तों डी फार्मा से रिलेटेड भी हम आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कराते हैं उन्हें भी आप देख के अपने जीवन को सफल कर सकते हैं अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें थैंक यू दोस्तों